वेलकम बैक फ्रेंड्स, और आइए आज दिन है वेडनेसडे का और शुरू करता हूँ आज का वीडियो। तो ऐसे ही बने रहिएगा अंत तक वीडियो में। तो चलिए, थैंक यू फॉर योर टाइम, और चलिए कंटिन्यू करते हैं। और देखिए, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ठंडी सड़क का ये एरिया है, और यहाँ से सामने श्री माँ नैना देवी जी के मंदिर का बहुत ही एक सुंदर दृश्य है। और इस समय जो कि शाम का समय हुआ है, यहाँ पे कुछ इतने भक्त श्रद्धालुगण उपस्थित हैं। तो देखिए, तो सनसेट भी बहुत करीब है, 7:03 का अभी जो कि समय हुआ है, और यहाँ पे कुछ इतने भक्त श्रद्धालुगण अभी के आज के समय उपस्थित हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं, देखते हैं नैनीताल में कितना पर्यटक है अभी। और देखें तो ठंडी सड़क के इस तरफ है ये बोट स्टैंड, और इस समय देखें तो यहाँ पे बोटिंग के लिए कुछ इतने जो कि लोग यहाँ पे आए हैं, और कुछ लोग जो कि यहाँ से बोटिंग्स के लिए भी जा रहे हैं, और नैनी झील भी काफ़ी जो कि बोट से भरी हुई है अभी भी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो आइए इधर की तरफ से दिखाता हूँ आपको कि कैसा है नैनी लेक में आज क्या कुछ चल रहा है अभी के समय। ये देखें, ये जो कि पर्यटक सैलानी है अपनी नौकायन पूर्ण करके जो कि है वापस आ रहे हैं किनारे की तरफ। और इस तरफ देखें तो काफ़ी ही जो कि नौकायन नज़र आ रहा है, और ये देखें तो बहुत ज़्यादा लोग जो कि है अभी भी बोटिंग कर रहे हैं, और दिन में भी लोग काफ़ी बोटिंग कर रहे थे। और सामने हमारे अगेंस्ट में यहाँ पे देखें तो ये है मॉल रोड, और ये देखें ये मॉल रोड भी जो कि है 6 बजे से जो कि इसका टाइम एक्सटेंड हो गया है, तो सॉरी फॉर द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो लेकिन ये शाम को क्लोज रहता है 6 बजे से। और ये देखें कुछ समय नैनी झील। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये ठंडी सड़क में पहुंच गए हैं अभी। और इस समय यहाँ पे देखें तो काफ़ी जो कि पर्यटक सैलानी यहाँ पे भी जो कि घूम रहे हैं, और काफ़ी अच्छा ये प्लेस है और एकदम पीसफुल में जो कि है। और यहाँ पे इससे देखें तो बड़ा ही अमेजिंग व्यू रहता है। तो मैं हमेशा ये व्यू दिखाना आप लोगों को भूलता नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ से देखें ये व्यू ही कुछ इतना मनमोहक है। और किनारे में यहाँ पर देखें तो रोइंग बोट यहाँ पर खड़ी रहती हैं। तो ये देखें, और सामने ही देखें तो पूरी फैमिली जो कि है वाइट थीम में है। और ये देखें, ठंडी सड़क प्रथम मंदिर श्री शनिदेव महाराज जी का मंदिर है। ठंडी सड़क द्वितीय मंदिर श्री गोलूदेव महाराज जी, उत्तराखंड में न्याय के देवता कहे जाने वाले, उत्तराखंड में जो कि न्याय के देवता हैं गोलूदेव महाराज, उनका मंदिर है। और सामने ही है भगवान श्री भोलेनाथ जी का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर। और जस्ट देखें इसी के अपोजिट में यहाँ पे ग्लास हाउस है, और ये देखें ये ओपन है अभी इस समय, तो यहाँ पे लोग भी मुझे नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी एकदम ब्यूटीफुल जो कि इसका बनाया गया है आर्किटेक्चर, और बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से। और जिस जगह पे अभी हम पहुँच गए ठंडी सड़क, और वहीं से देखें तो सामने ही अपोजिट में हमारे मॉल रोड में लाइब्रेरी है। और यहाँ से देखें नौकायन इस कुछ इस स्तर पर चल रहा है अभी। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। आइए पहुंच गए हैं जो कि चतुर्थ मंदिर है, श्री माँ पाषाणा देवी का जी का मंदिर। तो श्री माँ पाषाणा देवी जी का जो मंदिर है उसकी एंट्रेंस देखें तो मलीताल से भी है, तो हम अभी मलीताल से जा रहे हैं तरीताल को, और तरीताल से भी है। तो आइए आगे से दिखाता हूँ आपको। और अभी देखें शाम के समय यहाँ पर माता जी की वहाँ जो कि आरती हो चल रही है, तो मैं प्रयास करता हूँ आपको दर्शन कराने का। और देखिए जो तलीताल से आते समय माता जी के मंदिर की एंट्रेंस आगे से है, और यहीं पे देखें इसी के अपोजिट में यहाँ पे नीचे भगवान श्री हनुमान जी का जो कि मंदिर है, तो बड़ा ही सुंदर ये मंदिर है। तो ये देखें, तो मैं अपने हर वीडियो में ऑलमोस्ट जब भी दिखाता हूँ तो ये बोलता हूँ ज़रूर,
कि मैं रिकमेंड करता हूँ आपको लेक का, जो कि फुल राउंड है, तो क्योंकि लेक से हनुमान जी के दर्शन बहुत अच्छे होते हैं। और अभी देखें तो हम पहुँच गए हैं सर्कुलर एरिया के सामने, ठंडी सड़क, तो आइए चलते हैं इसके अंदर और देखेंगे यहाँ से कैसा है व्यू अभी के समय। और ये देखें तो ये काफ़ी बेस्ट प्लेस है मॉर्निंग में विज़िट करने को, योगा मेडिटेशन एक्सरसाइजेस वगैरह के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस है यहाँ पे। और ये देखें यहाँ पे, यहाँ से बहुत ही अमेजिंग जो कि व्यू रहता है। और ये सामने ही तलिकताल डांट का ये एरिया है, तो ये देखें और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। और देखें तलिकताल डांट से जो कि सीधे मॉल रोड में जब आप एंट्री करते हैं, और सामने ही अगेंस्ट वाली जो कि माउंटेन है, इसमें आपको जितने भी ये बहुत सारे आपको बल्ब नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं। और आप अगर होटल्स के लिए देखते हैं नैनीताल में आकर के, तो आप लोग यहाँ पे भी जा सकते हैं एज़ वेल, आप भी पूछ सकते हैं। ये पूरा ही एक वाइड एरिया है होटल्स का। तो आइए फ्रेंड्स, और मॉल रोड में आ गए हैं हम, और जो कि तलिकाल के एरिया से हम एंट्री कर रहे हैं और मलिकाल को जा रहे हैं। तो आइए यहाँ के सारे जो कि ब्यूटीफुल व्यूज़ रहते हैं रास्ते से, तो मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। और ये है अपर मॉल रोड, और नीचे की तरफ है लोअर मॉल रोड। तो ये देखें शाम का वक्त है और लेक काफ़ी सुंदर नज़र आ रहा है यहाँ से। और बीच में देखें तो यहाँ पे ये जो कि है, इसको सेपरेट किया गया है नीचे वाली रोड को, तो ये है चलने वालों के लिए और नीचे वाली तरफ, और ऊपर वाली तरफ देखें वाहनों के लिए। बहुत ही अच्छा एकदम इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ पर देखें तो ये काफ़ी अमेजिंग क्रिएशन है, और इस तरीके के आपको आर्किटेक्चर और जगह भी मिल जाएंगे। तो ऐसा ही एक लोअर मॉल रोड में भी है, ये देखें। और सामने यहाँ पे जो भी है एंड में यहाँ से मॉल रोड कैथोलिक चर्च है, और आई सेंट फ्रांसिस जो कि मॉल रोड सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च। और देखें सामने ही यहाँ पे जो कि है सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च मॉल रोड है ऊपर की तरफ। तो बड़ा ही अमेजिंग यहाँ से अभी के समय ये लग रहा है शाम को नाइट लाइट में। और देखें तो मॉल रोड के इस रोड डाइवर्जन में हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे सामने ही जो कि इंडिया होटल है, एवरेस्ट होटल है, और ऊपर की तरफ देखें यहाँ से ये रोड ऊपर जाता है, और यहाँ पे है एवलेन होटल। स्टार्टिंग में ही जो ये रोड जा रहा है ये जाता है सीधा ही चिड़ियाघर, जो कि जू बोलते हैं। और यहाँ से जो कि है डेम है जू के लिए, जो कि शटल सेवा के लिए बुक होते हैं इस कॉर्नर पर। और ये देखें हम मॉल रोड में इस जगह में पहुँच गए हैं, जो कि इंडिया होटल के जस्ट सामने ही यहाँ पर तक बैरिकेटिंग होता है, तो मॉल रोड यहाँ तक बंद होती है। और ये देखें तो यहाँ से आगे अब आप लोग 6 बजे बाद फ्रीली एकदम घूम सकते हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है शाम के समय यहाँ पे, क्योंकि गाड़ियों की आवाजाही नहीं रहती, तो बड़ा ही अमेजिंग यहाँ से एक एक्सपीरियंस रहता है शाम को वॉक का। और सामने ही देखें तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये एरिया है, अलका होटल है सामने यहाँ का, जो कि जैम है इस एरिया में। और ये देखें तो मैं एक बड़ा स्टेबल होके दिखा देता हूँ आपको खड़े होके, तो शायद वीडियो हिल रहा होगा, नाइट का है क्योंकि। हाँ तो ये देखें, और ये है अलका होटल का एंट्रेंस, और जस्ट इसी के बगल में तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डोमिनोज़ का आउटलेट है, अगर आप पिज़्ज़ा लवर हैं और पिज़्ज़ा में इंटरेस्ट रखते हैं पिज़्ज़ा खाने में, तो ये देखें ये है डोमिनोज़। और इसी एरिया में काफ़ी जो कि शॉप सब है, तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे से। तो ये देखें कुछ ऐसा है यहाँ पे, और कुछ इतना रश है अभी के समय, और वाइल्ड क्राफ्ट और बहुत सारी यहाँ पे शॉप्स हैं, और एज़ वेल आप देख सकते हैं टूर एंड ट्रेवल्स की भी जो कि ये शॉप्स हैं। और इस तरफ देखें तो कुछ लोग जो कि ये वॉक भी कर रहे हैं सारे ही लोग, और चलिए कंटिन्यू करते हैं। और इस एरिया में देखिए तो यहाँ पे कश्मीरी जो कि क्लोथिंग मिलती हैं, और काफ़ी सारी एसेसरीज़ यहाँ पे मिलती हैं, जो कि वुमेंस के जो कि आउटफिट्स यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग मिलते हैं। और यहाँ पे जस्ट देखें शीला होटल के बगल में, तो हमारे कुमाऊँ को रिप्रेजेंट किया गया है, तो ऐसे यहाँ पे जो कि हमारे वहाँ गांव में ये डोर्स और विंडोज़ होती हैं, और ये जो कि होटल शीला की एंट्रेंस है। और देखें श्री माँ नैना देवी जी के मंदिर में जो कि पूजा अर्चना चल रही है अभी के समय, और सामने ही मंदिर है, और स्क्रीन के मध्य में बीचों बीच आप देख पा रहे हैं जहाँ लाइट्स चली हैं, और ये है शाम का समय नैनीताल में। सो व्यूवर्स लेट्स एंड अप दिस वीडियो, तो चलिए सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग एवरीवन, टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय।